हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे IITs इन न्यूज़, यानी भारत के विभिन्न IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वो न्यूज़ में क्यों रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, सिर्फ इसमें जितना एक रिसर्च के बारे में आपको जानना चाहिए उतना ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं IIT गुवाहाटी की। IIT गुवाहाटी ने एक ऐसा मास बनाया है जो प्रयोगशाला में बना है, यानी लेबोरेटरी में बना है। ये इको फ्रेंडली है, यानी इस मास्क के लिए हमें किसी जानवर को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम किसी जानवर को पालते हैं तो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस वजह से वातावरण पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो IIT गुवाहाटी ने भारत का पहला लैब ग्रोन मीट बनाया है। लैब ग्रोन मीट मीट की बजाय खाया जा सकता है और ये न्यूट्रिशियस भी होगा। IIT गुवाहाटी, आप जानते हैं, ये असम में है। इसके अलावा IIT गुवाहाटी ने एक ऐसी मेम्ब्रेन बनाई है, एक ऐसी परत बनाई है जो पानी को तेल से अलग कर पाएगी। कई बार समुद्रों में भी हमने देखा ऑयल पोल्यूशन होता है, या कई बार ऑयल और वाटर की मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन आसानी से तेल और जो वाटर है उसको अलग कर सकती है। ये भी IIT गुवाहाटी ने बनाया है। और गुवाहाटी शहर में असम में भारत का पहला ऑयल म्यूजियम भी अभी अभी खुला था। IIT कानपुर की अगर बात करें तो IIT कानपुर ने प्रसार भारती के साथ कोलैबोरेशन किया है। प्रसार भारती सूचना प्रसारण क्षेत्र में हमारी संस्था है, इकाई है। तो ये दोनों मिलके रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे कई सारे फील्ड्स में, जैसे मोबाइल फॉरकास्टिंग, यानी मोबाइल फोन्स वगैरह से प्रसारण, कन्वर्जेंस विद 5G के ऊपर रिसर्च, रूरल ब्रॉडबैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो फ्यूचर का ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है उनके ऊपर। तो याद रखिए, प्रसार भारती IIT कानपुर के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भारत की संस्था है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। जो राष्ट्रीय आयोग है उसे बोलते हैं NCPCR। तो NCPCR भी IIT कानपुर के साथ मदद कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, IIT कानपुर और NCPCR ने मिलकर एक किट बनाई है। ये किट बच्चों को यौन शोषण से बचने के बारे में जागरूकता बताएगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनका यौन शोषण हो रहा होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। इस किट की मदद से, ये जो किट बनाई है इसकी मदद से बच्चों में यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में उनको अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इसके लिए NCPCR ने पार्टनरशिप करी है IIT कानपुर के साथ। IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2-फिंगर रोबोटिक हैंड बनाया है, यानी एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां हैं। ये जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं जिनको लकवा मार जाता है, जो पैरालिटिक होते हैं, ठीक है, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, उनकी मदद करेगी ये रोबोटिक हैंड। यानी वो इस रोबोटिक हैंड की मदद से अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएंगे। तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने 2-फिंगर रोबोटिक हैंड बनाया है पैरालाइज स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए। IIIT हैदराबाद, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये IIT हैदराबाद नहीं है। इनफैक्ट 90% जगह मैंने देखा इंटरनेट पे गलत लिखा हुआ है, ये IIT नहीं है हैदराबाद, ये IIIT हैदराबाद है, जो कि बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूट है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो IIIT हैदराबाद के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक भारत की पहली इंडियन ब्रेन एटलस ये लॉन्च करी है। भारत में पहली बार एक ब्रेन एटलस लॉन्च हुई है जो भारत में लोगों का दिमाग है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो ये पता चला है कि अगर हम कंपेयर करें पश्चिमी देशों से और चाइना कोरिया वगैरह से, यानी पूर्वी देशों से भी, तो भारत में जो लोगों का दिमाग है, ब्रेन का साइज है, वो काफ़ी छोटा है, हाइट में भी, विड्थ में भी और वॉल्यूम में भी, ठीक है। यानी भारत में जो लोगों का जो ब्रेन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, ये पता करा इंडियन ब्रेन एटलस जब बनी। और ये बनाया IIIT, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑप्शन में आपको IIT हैदराबाद भी मिलेगा और IIIT हैदराबाद भी मिलेगा, तो आपको मार्क करना है IIIT हैदराबाद। तो इंडियन ब्रेन एटलस उन्होंने लॉन्च करी है। IIT दिल्ली के 50 साल पूरे हो गए हैं, ये याद रखिए, यही साल यानी 2019 अभी इनका 50वां दीक्षांत समारोह था, यानी कॉन्वोकेशन था। वहाँ पे चीफ गेस्ट थे इसरो के चेयरमैन के सिवन, ये चीफ गेस्ट थे। और यहाँ पे इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी सेल भी बनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी सेल एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि कई सारे IIT हैं भारत के, जैसे IIT गुवाहाटी और भी कई हैं, जिनके साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल कुछ नहीं होता, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उस पर शोध के लिए एक
अलग से विभाग बनता है जिसको बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी सेल, तो वो IIT गुवाहाटी के साथ भी बनाया है और भी IIT हैं जिनके साथ बनाया है, तो एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप इतना याद रख लो कि IIT दिल्ली जो है यहाँ पे अभी अभी इनका 50वां समारोह हुआ है, चीफ गेस्ट थे K7 और स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बना है, बस इतना याद रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास भारत का नंबर वन IIT है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का NIRF रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग के हिसाब से नंबर वन IIT है भारत का IIT मद्रास, परंतु QS रैंकिंग के हिसाब से है IIT बॉम्बे, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। IIT मद्रास ने स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया है। एग्रीकॉप्टर ये होता है, एग्री मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि, कॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर, तो एक तरह का ड्रोन है ये, और ये कीटनाशकों का छिड़काव करेगा, यानी ये स्प्रे करेगा पेस्टिसाइड, जिससे किसानों को खुद पेस्टिसाइड स्प्रे ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे किसान भारत में ऐसे हैं, इनफैक्ट ऐसे किसानों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है जिनकी हर साल डेथ हो जाती है कीटनाशकों की वजह से। तो जो किसान जब छिड़काव करते हैं कीटनाशकों का, तो वो खुद भी सूंघते हैं उसे, उनके शरीर में भी जाता है, उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये काम करेगा, अब स्प्रे करने का जो काम है वो किसान को नहीं करना पड़ेगा, वो ये मशीन कर देगी। तो ये है स्मार्ट एग्रीकॉप्टर, इसको बनाया है IIT मद्रास के बच्चों ने। IIT खड़गपुर, खड़गपुर बंगाल में है, तो IIT खड़गपुर जो है इसके शोधकर्ताओं ने, इसके वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल ऐप बनाई है जिसका नाम है केयर फॉर यू। ये सीनियर सिटीजन के लिए है, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए है। ये काम कैसे करेगी, अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति गिर जाता है जमीन पे, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन उसको दे देगी जिसकी डिटेल इस ऐप के अंदर है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, और अचानक वो कहीं सैर पे जाते हैं सुबह और वो गिर जाते हैं वहाँ पे, तो अगर वो कहीं पे फॉल डाउन हो जाते हैं बूढ़े लोग, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन GPS के थ्रू ऑटोमेटिकली केयर गिवर के पास पहुँच जाएगी, यानी जो भी इनका जिम्मेवार है उनके पास पहुँच जाएगी, और इमरजेंसी सर्विसेज के पास भी पहुँच जाएगी, जिससे वो लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच सकें। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है केयर फॉर यू। एरिक्सन कंपनी है स्वीडन की, ये एक कम्युनिकेशन संचार की कंपनी है स्वीडन की, तो ये IIT कानपुर के साथ मिलकर रिसर्च करेगी दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो IIT कानपुर और एरिक्सन मिलकर काम करेंगे दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। वैसे IIT कानपुर ने अभी डॉक्टर की डिग्री दी है पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद भारत के बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी हुए हैं, और अभी भारत के ज़्यादातर जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जैसे PV सिंधु, साई प्रणीत वगैरह, उनके कोच हैं ये। तो पुलेला गोपीचंद को डॉक्टर की डिग्री भी दी है IIT कानपुर ने। IIT हैदराबाद जो है इसने सोलर सेल बनाए हैं कुमकुम डाई का इस्तेमाल करके, कुमकुम डाई। तो कुमकुम जो डाई होती है इससे सौर ऊर्जा के सेल बनाए हैं। इसका फायदा क्या है, देखो अभी जो सोलर सेल बनते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से, पर सिलिकॉन महंगा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें एक विकल्प चाहिए था, एक ऐसा पदार्थ चाहिए था जो सिलिकॉन का विकल्प हो सके। तो कुमकुम डाई की मदद से IIT हैदराबाद ने ये काम करके दिखाया है। IIT मद्रास उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका बनाया है कि समुद्र में जो लहरें आती हैं जिन्हें बोलते हैं ओशियन वेव्स, उनसे बिजली बनाई जा सके। तो IIT मद्रास ने करके दिखाया है। वैसे भी आप जानते हैं मद्रास तट पे है, भारत का सबसे बड़ा बीच यहीं पे है मरीना बीच, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ओशियन वेव से। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, भारत की सरकार ने ये कहा है जो ओशियन एनर्जी होती है वो अब एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि वो एक जैविक ऊर्जा है। रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ओशियन एनर्जी को अब रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दे दिया गया है। IIT दिल्ली के बच्चों ने एक ऐसा बैसाखी बनाई है, क्रच बनाई है जो सेल्फ स्टैंडिंग है। अभी तक आपने जो बैसाखी देखी होंगी उनसे सिर्फ जो अपंग व्यक्ति है वो सिर्फ बैठ पाता था, लेकिन फ्लेक्स मोटिव नाम का जो स्टैंडिंग क्रच है इसकी मदद से व्यक्ति खड़ा भी हो सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है। ये करा है IIT दिल्ली के बच्चों ने, और इसका नाम है फ्लेक्स मोटिव। IIT मद्रास जो है इसके शोधकर्ताओं ने प्रोजेक्ट वाटर चक्र चलाया। वाटर चक्र ये होता है, एक बार व्यक्ति जब यूरिन पास करता है यानी जब पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, तो उसको दोबारा हम रिसाइकल यानी उसका पुनर्चक्रण कैसे कर सकते हैं। क्या ये पेशाब किसी काम का नहीं है, ये नदियों में जाता है, पानी को प्रदूषित करता है, या मतलब इससे रोग हो सकते हैं कई सारे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, गंदगी होती है, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूरिन को? हाँ,
तो इसके लिए प्रोजेक्ट वाटर चक्र शुरू किया गया और आईआईटी के बच्चों ने एक तरीका बनाया है जिससे हम यूरिन को रिसाइकल कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे हम खून की जांच, ब्लड टेस्ट जो होता है काफ़ी महंगे होते हैं, डायबिटीज़, शुगर या हीमोग्लोबिन की कमी या कई तरह के रोग हैं जैसे कैंसर वगैरह, ब्लड कैंसर, उनके लिए हमें ब्लड टेस्ट बार बार करवाना पड़ता है, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है। अब एक ऐसा तरीका बनाया है इन्होंने जिससे आपको कुछ ही सेकंड्स में ब्लड टेस्ट आप खुद ही कर सकते हो, तो एक ऐसा किट इन्होंने तैयार करा है। ये एलईडी लाइट का इस्तेमाल करेगा और आप अपने स्मार्टफोन की मदद से ही अपना ब्लड टेस्ट खुद घर बैठे कर सकते हो, आपको महंगे टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। तो एक लो कॉस्ट, काफ़ी सस्ता ब्लड टेस्ट डिवाइस बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने। अगर मान लो किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए तो वहाँ पे फिर महंगे हमें इम्प्लांट डलवाने पड़ते हैं, जैसे कि टाइटेनियम का इम्प्लांट आता है, तो इन ये हज़ारों रुपए के आते हैं। कई बार हड्डी जुड़ नहीं पाती तो फिर हमें अंदर रॉड डालना पड़ता है, मेटल डालनी पड़ती है, वो सब बहुत महंगे होते हैं। लेकिन यही काम अंडे के छिलके से भी हो सकता है। भारत में हर साल अरबों अंडे खाए जाते हैं और उन अंडों का छिलका फेंक दिया जाता है, लेकिन ये फेंका हुआ छिलका काफ़ी काम का है क्योंकि ये कैल्शियम का बना होता है। तो अब भारत ने आईआईटी हैदराबाद और एनआईटी जलंधर ने मिलके एक ऐसा मटेरियल तैयार करा है जो अंडे के छिलके, जिन्हें अंग्रेजी में एग शेल कहा जाता है, उनसे बना है। तो ये वेस्ट होने की बजाय एक बोन सब्स्टिट्यूट के रूप में काम आ सकता है, यानी कि हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों के स्थान पर ये एक विकल्प के रूप में काम आ सकता है महंगे धातुओं के कंपैरिजन में। ये करा है आईआईटी हैदराबाद और एनआईटी जलंधर ने मिलकर। आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक रोबोट तैयार करा है जिसका नाम है ग्रेसमैन। ग्रेसमैन क्या है? देखिए, मानव जो उंगलियां हैं उसकी एक विशेषता होती है कि हमारी चार उंगलियां जो हैं वो एक तरफ होती हैं और अंगूठा उल्टी तरफ होता है, ठीक है। इससे हम एक ग्रिप बना सकते हैं, यानी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो यही सिद्धांत का इस्तेमाल करके, ग्रेस मतलब होता है पकड़ या जकड़, हम कोई चीज़ पकड़ या जकड़ इसलिए पाते हैं कि अंगूठा हमारी उंगलियों के विपरीत होता है। तो ग्रेसमैन एक रोबोट है, ये भी चीज़ों को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ग्रेसमैन रोबोट बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी खड़गपुर ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म, भारत की सरकार काफ़ी सक्रिय है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपना रही है धीरे धीरे, उसकी इंपॉर्टेंस भारत सरकार को पता चल रही है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है ये अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलके भारत का एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है, जहां पे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। सारे संसाधन, सारे जो लर्निंग और डेवलपमेंट के टूल हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म इसको नाम दिया गया है और ये आईआईटी खड़गपुर बना रहा है अमेजॉन कंपनी के साथ मिलकर। भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भारत में दो आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली, उन्होंने शुरू करी है साथी नाम की पहल। साथी की फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। साथी क्या है? जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी तो बहुत उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, लेकिन जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, उनको जब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि आधुनिक औजार, आधुनिक जो उपकरण हैं उनकी मदद, उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये मुहैया कराए जाएंगे साथी के थ्रू। तो साथी इनिशिएटिव ये है कि एनालिटिकल और टेक्निकल हेल्प आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली बाकी इंस्टीट्यूट को देंगे। तो साथी इनिशिएटिव के लिए चुना गया है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर को, हमारी केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। जो आसियान कंट्री हैं जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री हैं आसियान कंट्री, टोटल 10 कंट्री आसियान में हैं, हमारे मित्र हैं, और हमारी जो पूर्व की तरफ देखो नीति है, लुक ईस्ट, बाद में हमने उसको एक्ट ईस्ट कर दिया था, तो हम चाहते हैं कि आसियान कंट्रीज के बच्चे भारत में पढ़ें। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने डिसाइड करा है 1000 बच्चे आसियान देशों के भारत में पढ़ेंगे और पीएचडी की डिग्री लेंगे भारत के आईआईटीज से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ये भी आ सकता है कि भारत ने आसियान देशों के बच्चों को कितनी डिग्री ऑफर करी है पीएचडी में, आंसर है 1000। या ये भी आ सकता है कि भारत ने 1000 पीएचडी की डिग्री ऑफर करी है कौन से संगठन के बच्चों को, तो आंसर है आसियान। आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे आपको हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा अपना सिर्फ 1 रुपए के अंदर, बहुत ही सस्ता,
बहुत ही सस्ता डिवाइस बनाया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का टेस्ट जब होता है तो सरकारी अस्पताल में 50 रुपये तक लग सकते हैं और प्राइवेट में तो 200 से 300 रुपये तक लग सकते हैं आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो महिलाओं में खास तौर पे अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसे अनीमिया बोलते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा तरीका बनाया है सिर्फ 1 रुपये के अंदर, जिससे आप हीमोग्लोबिन पता कर सकते हो। ये कैसे काम करेगा? तो हीमोग्लोबिन जो है जब वो टूटता है तो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, ऑक्सीजन बनती है। हीमोग्लोबिन को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑक्सीजन निकलती है, और ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये टोलुइडीन नाम के केमिकल के साथ रिएक्ट करके एक ब्लूइश ग्रीन कलर का रोशनी देती है। तो जितनी ज़्यादा रोशनी मतलब उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन निकली, मतलब उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन था। तो खैर टेक्निकल चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान तरीका है हीमोग्लोबिन को टेस्ट करने का सिर्फ 1 रुपये के अंदर। ये करा है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी मद्रास ये अमेरिका की एक कंपनी है तेल और गैस की, जिसका नाम है एग्जॉन मोबिल। इसके साथ मिलकर रिसर्च करेगा एनर्जी और बायोफ्यूल के क्षेत्र में। तो याद रखिए, बायोफ्यूल जो है बायो ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास रिसर्च करेगा एग्जॉन मोबिल के साथ अगले 5 सालों के लिए। क्यूएस रैंकिंग की बात करें, क्वेक्करली सिमोन रैंकिंग बोलते हैं इसे, क्वेक्करली सिमोन, इनके हिसाब से भारत का नंबर 1 आईआईटी है आईआईटी बॉम्बे, और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हिसाब से भारत का नंबर 1 आईआईटी है आईआईटी मद्रास, और आईआईटी बॉम्बे है क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से, बस इतना याद रख लो। पराली जलाना आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है क्योंकि पराली जलाई जाती है। जब चावल की खेती खत्म होती है, खरीफ सीजन खत्म होने के बाद, तो लगभग 100 लाख टन पराली जो होती है किसान उसे जला देते हैं, इससे प्रदूषण होता है। अब यही जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है यानी कि कृषि अपशिष्ट, उसको हम बायो ब्रिक बना सकते हैं। तो ये करके दिखाया है आईआईटी हैदराबाद और आर्किटेक्चर स्कूल भुवनेश्वर ने। तो आईआईटी हैदराबाद ने इनको बायो ब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईंटें बनी हैं ये कृषि अपशिष्ट की बनी है, और इन कृषि अपशिष्ट से बनी हुई, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी हुई ईंटों से आप अपना घर भी बना सकते हो। ये इतनी ताकतवर हैं, एक नॉर्मल ईंट के मुकाबले ये किसी भी तरह से कम नहीं है। तो बायो ब्रिक बना के दिखाई एग्रीकल्चर वेस्ट से आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। जो आईआईटी मद्रास है यहाँ पे रॉबर्ट बॉश सेंटर बना है फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए रॉबर्ट बॉश नाम का सेंटर बना है आईआईटी मद्रास में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 4-5 बार आ चुका है इस साल। एक चीज है जिसे बोलते हैं नीरो। नीरो क्या है? देखो नीर मतलब होता है पानी, तो नीर से बना नीरो। पानी की समस्या हो रही है आप जानते हैं, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। जल जीवन अभियान, जल शक्ति मंत्रालय वगैरह अलग से काम कर रहे हैं पानी के संरक्षण के लिए। जल शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है भारत के 256 जिलों में। पानी की समस्या से निपटने का एक तरीका यह है कि हमारे वातावरण में जो नमी है उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है उसे हम पानी में बदल दें। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने करके दिखा दिया, ये एक मशीन बना दी नीरो। ये नीरो मशीन एक संस्था है तीरथ, तो तीरथ संस्था के साथ मिलकर बनाई है नीरो मशीन। नीरो मशीन क्या करेगी? नीरो मशीन जो हवा के अंदर पानी है यानी एटमॉस्फेरिक जो वाटर है उसको पानी में कन्वर्ट कर देगी। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 से 5 लीटर पानी हर रोज ये बनाया जा सकता है इस मशीन से, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो मशीन है पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे काम कर सकती है, तो यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो नीरो मशीन बनाई है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने जो ESPN है, ESPN क्रिक इन्फो, उनके साथ मिलकर एक सुपर स्टैट नाम का एक टूल बनाया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिकेट को एनालाइज करेगा, बहुत सारे आंकड़े देगा आपको ये। तो सुपर स्टैट बनाया है आईआईटी मद्रास ने ESPN के साथ मिलकर। भारत तेल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदता है, और बाद में उससे पेट्रोल, डीजल, टोलुइन, बहुत सारी चीजें उससे वो बन जाती हैं, CNG गैस वगैरह बन जाती है, जो ये पेट्रोलियम गैस वगैरह, LPG गैस वगैरह बनती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पेट्रोल को छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है टोलुइन, और टोलुइन बहुत डेंजरस होता है हमारे पर्यावरण के लिए। ये पक्षियों को और जो हमारे जलीय पौधे, जलीय जानवर, उनको नुकसान पहुंचाता है, यानी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी अभी आईआईटी मद्रास ने क्या करके दिखाया, इस टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी बहुत ही सस्ते में, बहुत ही आसानी से, एक पूरे जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, एक नेचुरल प्राकृतिक तरीके से टोलुइन को, जो जहरीला केमिकल है, उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये तरीका निकाला अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेंजोइक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट करने का फायदा ये है, एक तो ये जहरीला नहीं है, और दूसरा बेंजोइक एसिड दवाइयों को बनाने में और
फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इस्तेमाल किया जाता है। आईआईटी मद्रास ने एक काम और करके दिखाया है, उन्होंने भारत का पहला कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी बनाया है। कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी ये बनाया है इन्होंने, एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई उसके साथ मिलकर, कोल्ड स्प्रे स्मार्ट लेबोरेटरी। आईआईटी मद्रास ने एक चीज और करी है, भारत की कुछ हमारी भाषाएं हैं जैसे बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, तमिल वगैरह, इनको एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे हम इनको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में ला सकें। जैसे आप अपना एग्जाम देते हो तो उसमें ओसीआर यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ इंग्लिश वगैरह के लिए होता है, हमारी जो देसी भाषाएं हैं उनके लिए नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा हो पाएगा क्योंकि हमारी जो देसी भाषाएं हैं जिन्हें बोलते हैं वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, उनको पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए थी, तो एक भारतीय स्क्रिप्ट तैयार करी है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, भारतीय स्क्रिप्ट नाम रखा गया है। ये हमारी जो देसी भाषाएं हैं उनकी डिजिटल लिपि होगी, इसकी मदद से ओसीआर जो है वो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के जरिए इनको पढ़ा जा सकेगा, यानी डॉक्यूमेंट्स को रीड किया जा सकेगा। जैसे आपने ओएमआर सुना होगा, आपकी ओएमआर शीट होती है, तो वो भी एक तरह का ओसीआर है, यानी कि वो उसको एक, जब आप एग्जाम में मान लो चार ऑप्शन भरते हैं, ठीक है, तो आपने एक भरा, तो ओएमआर शीट पे आपकी जो पढ़ा जाता है वो भी डिजिटल तरीके से पढ़ा जाता है, तो इससे बहुत आसान हो जाता है एक पन्ने पे लिखी हुई चीज को डिजिटल बना के पढ़ना, तो यही किया जाएगा। लेकिन अब हमारी बाकी भाषाओं के लिए भी तो ये काम करेगा आईआईटी मद्रास, इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है जिसका नाम है भारती। आईआईटी मद्रास ने एक चलता फिरता भारत का पहला सोलर पावर्ड, सौर ऊर्जा से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज डिवाइस बनाया है। कोल्ड स्टोरेज आप जानते हैं चीजों को ठंडा रखता है, जैसे फल सब्जियां वगैरह, इनको लंबे समय तक अगर सुरक्षित रखना है तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो भारत का पहला चलता फिरता सोलर पावर्ड, सौर ऊर्जा से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज डिवाइस बनाया है। ये किसानों की मदद करेगा, इसमें 500 किलो फल और सब्जियां आ सकती हैं, तो इससे लंबे समय तक किसान जो है अपना जो उत्पाद है उसको रख सकेंगे। आईआईटी बॉम्बे ने एक चिप बनाया है, चिप को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम रखा है अजीत। तो दो चिप बने हैं, एक तो बना है अजीत आईआईटी बॉम्बे के द्वारा और दूसरा है शक्ति को बनाया है आईआईटी मद्रास ने। तो दोनों के नाम एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि शक्ति किसने बनाया है, शक्ति बनाया आईआईटी मद्रास ने और अजीत बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। अब हमें बाहर से चाइना से चिप नहीं खरीदने पड़ेंगे, अभी हम चाइना से चिप खरीदते हैं अपने ज़्यादातर। जो भारत की तेल कंपनियां हैं, जैसे सारी तेल कंपनियां ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सारी कंपनियां जो हैं आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके इन्होंने एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करा है जिससे तेल और गैस में रिसर्च, शोध, अनुसंधान किया जा सके। तो बस आप इतना याद रख लो, भारत की जो तेल और गैस की सरकारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला रोबोट, पर्सनल रोबोट बनाया है बच्चों के लिए, जिसका नाम है मीको द्वितीय। क्या करेगा ये रोबोट, बच्चों के चेहरे भी पहचान लेगा, उनके साथ बातें करेगा, उनको माँ बाप के जैसा ही इमोशनल प्यार देगा, यानी इसका नाम ही रखा गया है इमोटिक्स। तो नाम से आप समझ जाइए इमोशंस, इमोटिक्स। ये बच्चों के चेहरे भी पहचान लेगा, बच्चों का दोस्त बनेगा, बच्चों से बातें करेगा और उन्हें प्यार देगा। तो ये रोबोट है, इसका नाम है मीको द्वितीय और ये बच्चों के लिए बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी खड़गपुर ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिससे आप नकली नोटों को सेकंड्स में पहचान लेंगे। ये काम कैसे करेगा, फोन जो है, फोन की फोटो खींच, उसकी जो नोट है आपके पास, नकली नोट या असली जो भी है, उसकी फोटो खींचो और फोटो अपलोड कर दो, तो ये आप इमेज को प्रोसेस करेगा, इमेज को स्कैन करेगा और उसको प्रोसेस करेगा और पहचान लेगा, कुछ ही सेकंड्स में आपको बता देगा कि ये जो नोट है ये असली है कि नकली। तो ये बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर जो है इन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिस यानी कि 1.3 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाई है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ये इन्होंने सीडेक के साथ मिलकर बनाई है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो आईआईटी खड़गपुर जो है भारत में 1.3 पेटाफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बना रहा है सीडेक के साथ मिलकर, और आईआईटी खड़गपुर विप्रो के साथ भी रिसर्च कर रहा है मिलके 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो विप्रो कंपनी जो है भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ पार्टनरशिप करी है 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर भारत का जो जहाज रानी मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उसके साथ मिलकर इन्होंने भारत का पहला
CICMT स्थापित करा है, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। भारत में जो तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी है उसके विकास के लिए, उस पर शोध के लिए, और ये सागरमाला परियोजना के थ्रू ये रिसर्च होगा। तो याद रखिए CICMT बनाया है IIT खड़गपुर ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो देख नहीं सकते लोग उनके लिए लैपटॉप बनाया है पहला भारत का, इसको बोलते हैं डॉट बुक। ये IIT दिल्ली ने बनाया है। तो याद रखिए IIT दिल्ली ने भारत का पहला लैपटॉप बनाया है जो ब्लाइंड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, और इसका नाम रखा है डॉट बुक। डॉट बुक IIT दिल्ली ने ही एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे महिलाएं खड़े होकर टॉयलेट कर सकती हैं, क्योंकि भारत में एक तो टॉयलेट की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, टॉयलेट जो है वो साफ नहीं होते, यानी हाइजीन वगैरह नहीं होता। तो महिलाओं को विशेष रूप से, हमारी माता और बहनों को विशेष रूप से प्रॉब्लम होती है। तो एक सानफे नाम का प्रोडक्ट बनाया गया है IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा, इससे महिलाएं खड़े होकर जो है वो टॉयलेट कर सकती हैं। सानफे, स्टैंड एंड पी। एक कैंपेन भी चलाया गया था, हैशटैग स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कैंपेन। तो सानफे बनाया है IIT दिल्ली ने। एक IIT हैदराबाद जो है उन्होंने एक बीटेक कोर्स शुरू कराया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला IIT है। अभी तक हम सुनते थे कि इंस्ट्रूमेंटेशन या सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं सब में इंजीनियरिंग होती थी, बीटेक होता था। परंतु भारत का पहला IIT जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स शुरू कराया वो है IIT हैदराबाद। एक ड्रोन के विकास के लिए, ड्रोन को क्या बोलते हैं हम, UAV, अनमैंड एरियल व्हीकल। तो भारत में ड्रोन भी बनने चाहिए, ड्रोन का विकास भी होना चाहिए। अब तो ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी कॉमन हो गया है, शादी ब्याह में भी फोटो खींचे जाते हैं आजकल ड्रोन से। तो ड्रोन के विकास के लिए जापान ने मदद करी है भारत की, और ड्रोन विकास के लिए जो पहला केंद्र भारत में बनाए वो बनाए IIT हैदराबाद में, ये भी याद रखिए। तो ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला कोर्स शुरू करा IIT हैदराबाद ने, बल्कि ड्रोन डेवलपमेंट के लिए भी पहला जो केंद्र बनाया भारत में, सेंटर बना है, वो बना है IIT हैदराबाद में। इसके अलावा IIT हैदराबाद जो है उन्होंने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिससे दूध में मिलावट है, यानी ये कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? ये जो स्मार्टफोन ऐप है ये आपको ये बता देगी कि दूध में अम्लता कितनी है, यानी कि एसिडिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा एसिडिटी है उतना ही ज़्यादा मिलावट है। तो कुछ ही सेकंड्स में आप पता लगा सकते हो इस मोबाइल ऐप की मदद से कि दूध में मिलावट है कि नहीं। ये करा है IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक तरीका निकाला है जिससे महिलाओं में स्तन या ओवरी का जो कैंसर है वो पता किया जा सकता है। ये जो मेथड है हमारे थूक के अंदर, यानी सलाइवा, थूक को बोलते हैं सलाइवा, सलाइवा के अंदर कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं, अगर इन प्रोटीन्स को स्टडी किया जाए तो ये पता चल सकता है कि स्तन या ओवरी का कैंसर है नहीं। तो ये प्रोटीन एक बायोमार्कर की तरह काम करेंगे सलाइवा में, और ये पता कर लेंगे कि ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर है नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्ट हो तो पर्सन के बचने के चांस हो जाते हैं। वरना महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है ओवरी का कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर। एक मोबाइल ऐप बनाई है IIT रोपड़ ने, रोपड़ पंजाब में। तो IIT रोपड़ जो है उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है रोशनी। रोशनी की मदद से जो दृष्टिहीन लोग हैं या जो कम देखते हैं वो नोट को पहचान सकते हैं कि कितने रुपए का नोट है, क्योंकि वैसे तो नोट के ऊपर छू के पता चल जाता है, क्योंकि कई वो चीज़ें अलग से होती हैं नोट के ऊपर जो थोड़ी उठी हुई होती हैं, थोड़ा रेज्ड होती हैं, उनको छू के पता लग जाता है कितने रुपए का नोट है। लेकिन आसान बनाने के लिए इससे कुछ ही सेकंड में जो ब्लाइंड लोग हैं वो ये पता कर सकते हैं कि ये नोट कितने रुपए का है। इस मोबाइल ऐप का नाम है रोशनी, यानी जिनको भगवान ने रोशनी नहीं दी उनको अभी ऐप रोशनी देगा। अब परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, 833 टेराफ्लॉप कैपेसिटी है इसकी, परम शिवाय की। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है IIT BHU, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करा। भारत का सबसे ताकतवर कंप्यूटर में से एक है ये, इसका नाम है परम शिवाय। सो ये थे हमारे सारे IIT कंप्लीट कवरेज एकदम जनवरी से अक्टूबर। इस वीडियो के बाहर कुछ नहीं है आपको जाना, इस वीडियो में जो बताया गया आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का अभ्यास करिए। PDF शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, एक विशेष टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है जो सिर्फ हमारे प्रीमियम सदस्यों के लिए है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसका लिंक नीचे आपको दिया हुआ है कमेंट्स के अंदर, तो उसको उस पर PDF ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इसको इंग्लिश में दोबारा अपलोड करूंगा हमारे उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत के भाई बहनों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ प्रीमियम।